हेलो पीपल और अयगा मजा के एक और शानदार मजेदार एपिसोड में आप सबका स्वागत है। लेटर्स ये मुझे भेजे हैं सुजाता शर्मा, अमित गर्ग, मार्गरेट ब्रेटो और जस्सी जैन। एक और जस्सी जैन लिखती हैं कि इनका नाम भी जस्सी है और जस्सी के बारे में ये और भी जानना चाहती हैं। मॉलेटर्स ये भेजे हैं राममोहन, मुस्कान उडानी, जानकी जानी और आयशा आलम ने। आयशा सोनी पर नई नई फिल्में देखना चाहती हैं। ओके आयशा। ईमेल्स ये ईमेल भेजा है कोमेल इकबाल ने, रितु दीक्षित ने, रोहन नायक ने और एक हमें भेजा है हरमिंदर सिंह ने जो लिखती हैं, डियर कुसुम जी मैं 65 इयर्स ओल्ड हूँ, प्लीज आप शिकागो आइए, मैं आपसे डांडिया सीखना चाहती हूँ। इसे कहते हैं जीने की स्पिरिट। वेरी गुड हरमिंदर जी, वी आर ऑलवेज विथ यू, वेरी प्राउड ऑफ यू। मोर लेटर्स, इवन मोर लेटर्स। एक्चुअली अब आएगा मजा। झील सी है आंखें आपकी, कयामत जैसी है चाल, जब से देखा है आपको हुआ है हमारा बुरा हाल। ये लाइनें मुझे भेजी हैं पिंकी पॉल ने बर्थडे गर्ल गौरी प्रधान के लिए। गौरी का बर्थडे था कल यानी कि 16 सितंबर को, लेकिन हम अब आएगा मजा पर इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं आज। अब आएगा मजा की पूरी टीम की तरफ से हम गौरी से कहना चाहते हैं हैप्पी बर्थडे गौरी। तो रक्षंदा खान, पता किया सोनी पे क्या क्या इंटरेस्टिंग हो रहा है? Yes, सोनी पर आए हुए नए डेली का नाम क्या है? मैम ये तो बहुत इजी सवाल है, सबको मालूम है उसका नाम है जस्सी जैसी कोई नहीं। और इस शो में इस हफ्ते क्या होने वाला है? मैम वो जो जस्सी है ना, हमेशा की तरह कुछ लड़कों ने उसको बहुत सताया, बहुत परेशान किया और उसकी वजह से ना जस्सी को बहुत दुख पहुंचा, उसको बहुत बुरा लगा। अब वो जान गई कि ये जो ना प्यार व्यार शादी वादी दोस्ती वोस्ती उसके लिए नहीं है, बस अब उसका एक ही मकसद है, वो अपना मन लगा के काम करना चाहती है ताकि वो जो अरमान सर है ना उनका विश्वास जीत सके। लड़के होते ही ऐसे, लेकिन मुझे उनकी परवाह नहीं। मैं आज से लड़कों के बारे में सोचूंगी ही नहीं। आज से मेरा सिर्फ एक मकसद है, काम, सिर्फ काम। मैं चाहता हूं कि तुम इस ऑफिस में काम करो, क्योंकि तुम वाकई बहुत अच्छी हो। तुमने एक दिन में वो काम कर दिखाया जो मैं बाकी लोगों से एक साल में भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। आज से मैं सिर्फ उनकी इज्जत करूंगी जो मेरी इज्जत करते हैं। कोई तो है जिसे मेरी जरूरत है, जो मेरी इज्जत करता है। मैं प्रॉमिस करती हूं अरमान सर कि आज के बाद और हर कदम पे मैं आपका साथ दूंगी। सीआईडी की रिपोर्ट दो। सीआईडी की टीम जो है वो खूनी की तलाश में है। जब मैंने इसका खून टेस्ट किया तो उसमें एक नए किस्म का वायरस निकला। सर इस आदमी की मौत वायरस से हुई है, इसे जो चाकू का घाव लगा हुआ है उससे मौत नहीं हुई। सर कालिया ने इसे मारा है, इसके कपड़े पहन लिए, तो फिर तो कालिया भी ये वायरस लेके घूम रहा है। सर खुद तो मरेगा ही और लोगों को भी मरवाएगा। हाँ सर उसे रोकना ही पड़ेगा। शो की टाइमिंग्स पता है? नो मिस। सीआईडी फ्राइडे रात को 10 बजे आता है, याद कर लो। चलो अब मुझे अचानक के बारे में बताओ। हाँ इस शो के बारे में तो मुझे आपको बताना था ना। सबसे पहले तो अचानक में बहुत सारे चेंजेस आने वाले जो शो को बनाएंगे बिगर, बेटर और भी मजेदार। और आपको पता है कि 22 सितंबर से इस शो का टेलीकास्ट होगा हर मंडे रात 10 बजे और टेलीकास्ट का टाइम होगा पूरा 1 घंटा। अब आएगा मजा। गुड, वेरी गुड। लेकिन अब मुझे इसकी कहानी बताओ।
कहानी के बारे में ना मत पूछिए मैम। इतने दिनों से अजिंक्य और अजय के बीच में जो ढिशुम ढिशुम चल रही है ना, उसका भी फाइनली फैसला होने वाला है। दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए हैं और अब पता चलेगा कि जीत किसकी होगी, अच्छाई की या बुराई की। हमारी जंग का समय आ गया है अजय। मुझे भी इसी घड़ी का इंतजार था। मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ अजय, वो जादुई शीशा मुझे दे दो और चलो मेरे साथ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मेरा साथ तो तुम्हें अब मरने के बाद ही मिलेगा जी। क्या गुड, वेरी गुड, फुल मार्क्स टू रक्षंदा खान। थैंक यू। अब आएगा मजा। दोस्तों ये हम सभी जानते हैं कि आप लोग हितेन तेजवानी के कितने बड़े फैंस हैं। बहुत सारे खत आते रहते हैं उनके लिए, सब नहीं पढ़ सकती लेकिन कुछ आपको पढ़ के जरूर सुनाऊंगी। ये आया है हरियाणा से, जिसे लिखा है निधि ने। शी राइट्स, टू माय डियरेस्ट हितेन भैया, रोजेज आर रेड, ग्रासेज आर ग्रीन, स्काई इज ब्लू, ओ माय भैया आई लव यू, स्वीट लिटिल पोएम। और साथ में एक बहुत खूबसूरत सी राखी। रक्षाबंधन के काफी बाद आई है, हो सकता है स्नेल मेल से आई हो, बट आई थिंक इट्स अ थॉट दैट मैटर्स। और एक खत जो मुझे भेजा है रुचिता घोष ने बड़ौदा से हितेन के लिए, वो हितेन के लिए एक सवाल लिखकर भेजी है। तो क्या करें, मुझे लगता है वी शुड जस्ट कॉल हितेन एंड फाइंड आउट व्हाट ही हैज टू से। यस, वी आर गोना कॉल हितेन, सो हियर गोस। ओके, देखिए हितेन फोन आंसर करते हैं या नहीं, बहुत बिजी रहते हैं, वेरी हेक्टिक शेड्यूल। लेट्स सी इफ ही आंसर्स। इट्स रिंगिंग। ओके, हेलो, ही आंसर्ड। हितेन, या हाय, दिस इज रक्षंदा फ्रॉम अबायगा मजा। या रक्षंदा, टेल मी हाउ आर यू। आई एम फाइन, हाउ आर यू। हितेन, मैं आपसे बहुत पक चुकी हूँ, आपके इतने लेटर्स आते हैं मेरे शो में, मेरे लिए कोई खत लिखता ही नहीं, सभी हितेन तेजवानी के लिए लिखते हैं। ओके हितेन, देयर इज अ लेटर फॉर यू, बहुत ही प्यारा खत है जो रुचिता घोष ने भेजा है बड़ौदा से। okay. उन्होंने आपकी स्पेलिंग के लिए कुछ बहुत अच्छे से एडजेक्टिव्स लिखकर भेजे हैं, मैं सुनाऊं आपको? जी आप सुनाइए। ओके, इट सेज एच फॉर हैंडसम, आई फॉर इम्पॉसिबल टू डिफीट, टी फॉर टॉल, ई फॉर एवरग्रीन एंड एवरलास्टिंग, एंड एन फॉर नॉटी, पुट ऑल दिस टुगेदर एंड यू गेट हितेन। ओह माय गॉड। ओके, वो आपसे एक सवाल पूछना चाहती हैं। जी हाँ। कि अगर आप एक दिन के लिए कुछ चुरा सकते तो क्या चुराते? एक दिन के लिए अगर मैं चुराता तो आई वुड रॉब फेम फॉर वन डे। फेम, फेम, फेम इन द सेंस आई वांट टू बी देयर एंड गेट एन अवार्ड ऑफ वन डे, फिल्म फेयर अवार्ड। एक बार वो ट्रॉफी उड़ा के ले आया था। एक ट्रॉफी उड़ा के ले आया फिल्म फेयर की जो ट्रॉफी। अब इससे ज्यादा फेमस होंगे तो भैया मैं आपके लेटर्स नहीं पढ़ने वाली। Hiten, there's also a very nice letter that has come for you all the way from Haryana. ये निधि ने लिखा है और उन्होंने आपके लिए राखी भेजी है, थोड़ी देर से आई है, but it's a very pretty राखी जो हम आपको भिजवा देंगे। आप निधि से कुछ कहना चाहेंगे? निधि से कहूंगा थैंक्स अ लॉट, आप राखी भेजिए मुझे, नेक्स्ट टाइम टाइम पे भेजिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा अपनी फेवरेट स्टार की आवाज सुनकर? All you people who sent us emails, letters, Hiten ke liye tohfe, aa gaya na maza? All the people who want to ask questions to their favorite stars, koi aise sawal jo aap khas unhi se puchna chahe, unki awaaz sunna chahe, mujhe likhkar bhejiye. I'll make sure ke aapke stars ko hum call karenge and we'll try and get all the answers to all your questions. All you have to do is type AAM1 and SMS it to 2525. Aaj ke jo humare guest hai, उन्होंने अपने करियर का सबसे पहला बड़ा ब्रेक पाया जंगल में, उसके बाद वो रोड पर आ गए, लेकिन वहां पर उन्होंने विवेक ओबरॉय को सही रास्ता दिखाया। बीच में एक डिटूर लेकर वो तबू को चांदनी बार भी पहुंचा आए। यहाँ पर डरना मना है, लेकिन उन्होंने शिल्पा शेट्टी को सेब बेचे और उनके पति को सेब बना दिया, और अब वो गजरौला से मुंबई आए हैं क्योंकि वो किसी को माधुरी दीक्षित बनाना चाहते हैं। समझ गए ना आप मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? जी हाँ, आई एम रेफरिंग टू अ वेरी टैलेंटेड एक्टर, राजपाल यादव। सो प्लीज वेलकम अ वेरी टैलेंटेड एक्टर, राजपाल यादव। राजपाल जी, वेलकम टू द शो। आपकी एक बहुत बड़ी फिल्म रिलीज होने वाली है,
आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज आपका रोल उसमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ. आपके कैरेक्टर का नाम क्या है फिल्म में? राजा. राजा जी. अंतरा के कैरेक्टर का नाम क्या है? चुटकी. चुटकी. ओके. तो राजा और चुटकी वो लोग एक छोटे गांव से आते हैं और अंतरा फिल्म एक्ट्रेस बनना चाहती है और आप उसे लेकर आते हैं साथ में. कहानी किस तरह प्रोग्रेस करती है? एक लड़का और एक लड़की की जर्नी शुरू होती है एक फिल्म के माध्यम से जी. और वो शहर में आते हैं जी. तो दो जर्नी एक साथ चल रही है. तो एक तरफ तो आप देखिए सपने हैं और एक तरफ एक अनस्पोकन लव है और एक दूसरे पे असीम विश्वास करते हैं, एक दूसरे पे बहुत ट्रस्ट करते हैं और लेकिन दोनों कैरेक्टर अपनी एक दूसरे के पैरेलल जर्नी जी रहे होते हैं. वो है माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ. द स्टोरी इज टोटली अनप्रेडिक्टेबल. कैसी है उलझन सुलझाने से सुलझे ना. एज एन आर्टिस्ट आपकी लगभग 20 फिल्में रिलीज हो चुकी है सिर्फ दो ही सालों में. तो राजा किस तरह से अलग है आपके दूसरे कैरेक्टर्स से? उसने अपना जो अपना जीवन है उसके घर में कोई किसी बात की कोई कमी नहीं है. जो गांव में अक्सर दिखने में बहुत सीधे सिंपल लोग होते हैं लेकिन उनके घर में बहुत अच्छी सुविधाएं होती हैं. तो लेकिन एक लड़की के प्यार में या लड़की को मन इंतहा प्यार करता है जी. और राजा के कैरेक्टर का ताना बुना जिस तरह उसमें बिठाया है, मुझे क्या लगता है कि राजा का कैरेक्टर देखने के बाद में लड़कियों से बहुत सिंपैथी मिलेगी राजा को. फिर जब चुटकी हीरोइन बन जाती है तो राजा का क्या होता है? नहीं, चुटकी हीरोइन बनती है या नहीं बनती है, बन जाती है, I'm assuming कि बन गई. थोड़ा सा इसको मिस्ट्री भी रखते हैं क्योंकि अगर पूरी फिल्म हम इंटरव्यू के माध्यम से अगर आपके सामने सब रख देंगे तो कहेंगे आपको हीरो वही होता है जिसको एंड में हीरोइन मिलती है. तो फिर राजा को एंड में हीरोइन मिलती है या नहीं, ये आप फिल्म देखने के बाद ज्यादा अच्छा लगेगा. इतने अलग अलग किस्म के कैरेक्टर्स, इनमें से सबसे ज्यादा मजा कौन से कैरेक्टर में आया? ये मत कहना कि जंगल के कैरेक्टर में आया. मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ. मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ. माधुरी दीक्षित मेरी 20 फिल्मों को एकदम बिल्कुल किनारे पर छोड़ के जाएगा. Really? जिस तरीके का कैरेक्टर मेरा राजा का जो किरदार है राजा का है और उस वो मतलब आप लवर क्योंकि लव एक ऐसी चीज है ना जो किसी की भी विरासत नहीं है. लव यूनिवर्सल है. लव में चाहे वो किसी भी समुदाय का आदमी हो लव कर सकता है और वो ये होता है कि अगर आप किस समुदाय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप लव कर रहे हैं उसकी अलग खूबसूरती है और वो राजा में दिखेगी. आप राजपाल जी थैंक यू वेरी मच कि आप यहाँ आए, आपने हमें इतना वक्त दिया. तो हम सोच रहे हैं हम आपको एक गिफ्ट दें. क्या गिफ्ट? अरे डरना मत. तो ये एप्पल अब आएगा मजा की टीम की तरफ से आपके लिए तोहफा और आप इसे आज अभी यही खाएं. खा लूं इसको? खा लीजिए. अभी मुझे सच में डर लग रहा है. सेब खाने के बाद ये भी सेब बन गए. डरना मना है लेकिन ऐसी चीजें होती है तो सही में डर लगता है. अब आएगा मजा. दोस्तों जब हम अपने व्यूअर्स से बात कर ही रहे हैं तो हमने सोचा क्यों ना उन्हें एक और वजह दें टू फील हैप्पी. वी आर गोइंग टू बी गिविंग अवे दिस सीरीज बट यू हैव टू वर्क फॉर इट. मैं आप लोगों से करूंगी एक बहुत ही आसान सा सवाल जिसका जवाब आपको देना है. इफ यू गेट इट राइट यू गेट द सीडी. चलिए फोन लगाते हैं प्रियंका पाल को. ये रहती है दिल्ली में. आई एम श्योर शी नो द आंसर. क्या सवाल है? वेल, वो मैं जब प्रियंका से पूछूंगी तब आपको भी पता चली जाएगा. बहुत ही सिंपल सा सवाल है. एंड द फोन इज रिंगिंग. हेलो. फाइन. हेलो, कैन आई टॉक टू प्रियंका? शी इज नॉट देयर. हु इज स्पीकिंग? माय नेम इज रक्षंदा खान. आई एम कॉलिंग फ्रॉम बॉम्बे फ्रॉम अ शो कॉल्ड अब आएगा मजा. ओके. आपका नाम क्या है? अंकिता. हाय अंकिता, कैसे हो आप? बस मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ. प्रियंका ने हमें चिट्ठी भेजी थी और कहा था कि वो अब आएगा मजा को बहुत पसंद करती हैं. हाँ, वो है नहीं इस वक्त घर पर? नहीं नहीं, एक्चुअली वो जयपुर गए हुए हैं. ओहो, जयपुर गई हुई हैं? हाँ जी. अच्छा, और आप हमारा शो देखते हो? हाँ, अंकिता देखती हूँ.
ओके अंकिता, मैं आपसे एक सवाल करने वाली हूँ और अगर आप उस सवाल का सही जवाब देते हैं तो मैं आपको दूंगी सोनी म्यूजिक की तरफ से एक सीडी। ओके। आपको हिंदी म्यूजिक पसंद है? हाँ जी है। डांस म्यूजिक पसंद है? हाँ है। तो फिर मैं सवाल पूछूं? हाँ जी। अच्छा अंकिता, मुझे ये बताइए, आप सोनी टीवी रेगुलरली देखते हैं? हाँ जी देखती हूँ। अच्छा, सोनी टीवी पर एक नया धारावाहिक शुरू हुआ है, अ न्यू डेली शो। आपको मुझे उसका नाम बताना है। न्यू डेली शो? हाँ, एक नया धारावाहिक शुरू हुआ है, उसका नाम क्या है? जैसे जैसा कोई नहीं। ओके अंकिता, क्योंकि आपने इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब दिया है, मतलब 30 सेकंड्स में, तो मैं आपको जल्दी से ये सीडी भेजने वाली हूँ और प्रियंका को बोलेगा वो ये सीडी आपके साथ शेयर नहीं कर सकती। ओके ओके अंकिता, थैंक यू वेरी मच। बाय। सो डू कीप ऑन राइटिंग इन लेटर्स जिसमें आप अपने फोन नंबर्स हमें लिखकर भेजिए ताकि हम आपको कॉल कर सके। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू एसएमएस मी। SMS कैसे करेंगे? Simple. Type AM1 followed by your message and SMS it to 2525. पता है, मुझे opinion polls करना बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे बहुत मजा आता है क्योंकि आप लोगों के response बहुत ही ज्यादा मजेदार और कभी कभी बहुत ही surprising होते हैं। आज भी मेरे दिमाग में एक opinion poll का सवाल मंडरा रहा है, सोचती हूँ पूछ ही डालूं। तो सवाल ये है, क्या किसी फिल्म या बुक को बैन करना जायज है? चलिए, आपने सवाल नोट कर लिया है तो फटाफट हमें अपने ओपिनियंस इस सवाल पर भेज ही दीजिए। है ना, पेपर पेंसिल पेन ये सब रखिए मत, क्योंकि मैं आपसे करने वाली हूँ कॉन्टेस्ट का सवाल। आज के हमारे कॉन्टेस्ट का सवाल ये है, राजपाल यादव ने किस फिल्म में तबू के साथ काम किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए जंगल, बी रोड, सी चांदनी बाग। इस सवाल का सही जवाब हमें जल्द से जल्द लिखकर भेजिए। हमारा पता है, अब आएगा मजा, पोस्ट बॉक्स नंबर 7911 तुलसीवाड़ी, पोस्ट ऑफिस नंबर 400034, या फिर लॉग ऑन टू www.setindia.com और टाइप AAM एंड SMS 2525। कॉन्टेस्ट नंबर 16 में पूछा गया था सवाल, फिल्म कोई मिल गया के डायरेक्टर का नाम क्या है? सही जवाब है राकेश रोशन। एज यूजुअल ढेर सारे सही जवाब आए जिनमें से हमने चुने 25 लकी विनर्स। सबसे पहले हमें सही जवाब भेजा था चेन्नई के राजकुमार शर्मा ने। कंग्रेचुलेशंस टू ऑल यू पीपल आउट देयर। ऑलराइट पीपल, टाइम नाउ फॉर द लेटर ऑफ द वीक, और इसे मुझे भेजा है खुशबू ने, जो कहती है कि हमें अपने शो का नाम चेंज कर देना चाहिए। इट शुड नॉट बी अब आएगा मजा, बट फॉरएवर आएगा मजा। एंड वो बहुत बड़ी फैन है गौरी और हितेन की, एंड शी सेंड सम पिक्चर्स फॉर देम। दिस इज खुशबू एट 6 इयर्स, दिस इज खुशबू एट 16 इयर्स, एंड हियर इज खुशबू नाउ। ओके, वो ये कहती है कि उन्होंने गौरी और हितेन के लिए काफ़ी सारे गिफ्ट्स भेजे हैं साथ में, जो भेजे हैं, हियर इज अ फ्रेंडशिप बैंड एंड हियर इज अ गणेश जी, और इन सब के अलावा उन्होंने भेजी हैं दो डायरीज जो वो चाहती हैं कि हम गौरी और हितेन को दे दें। डोंट वरी खुशबू, आपके सारे गिफ्ट्स हम गौरी और हितेन तक पहुंचा देंगे। खुशबू ये भी जानना चाहती है कि हितेन का ईमेल आईडी क्या है। वेल, आपको क्या ज़रूरत है उनकी ईमेल आईडी जानने की, हमें ईमेल कीजिए, हम हितेन तक आपका मैसेज पहुंचा देंगे। एंड खुशबू, क्योंकि आपने हमें इतना प्यारा सा खत भेजा है, वी थॉट वीड सेंड यू अ लॉट ऑफ प्यारा थिंग्स, जैसे कि ये टी शर्ट, ये कैप, ये पेन, whole load of autograph merchandise just for you. Woo! Congratulations. And time now for the best SMS of the week. ये मुझे भेजा है Tony ने, जो लिखते हैं, the word hello means H, how are you? E, everything all right. L, like to hear from you. L, love to see you soon. O, obviously, I miss you. Very, very nice, Tony. और क्योंकि आपने मुझे इतना प्यारा सा SMS भेजा है, आपके लिए भी ये सारे goodies, all the way just from us. Okay, so all you people, do keep on sending me letters और जरूर मुझे SMS कीजिए। SMS करने का तरीका आप लोगों को याद है, type AAM1 followed by your message and SMS it to 2525, and if you're lucky, you could win all these goodies. फिर मेरे जाने का वक्त तो आ गया, लेकिन आप लोगों को याद है ना SMS कैसे करते हैं? जी हाँ, टाइप AAM1 followed by your message and SMS it to 2525. तो जल्दी कीजिए, मुझे अपने मैसेजेस भेजिए, ईमेल्स भेजिए, खत भेजिए,
क्योंकि ये सब मैं पढ़ने वाली हूँ शो पर खास आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को भी मजा आ जाए. सो टिल नेक्स्ट वीक देखते रहिए अब आएगा मजा. एंड दिस इज रक्षंदा खान सिंह. बाय बाय.